मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करना चाहेंगे। अब ये तो पता ही नहीं कितने कितने करा दिए, शायद पहला करा दिया आई थिंक, दूसरा करा दिया, कितने करा दिए आई थिंक। चलिए मैं आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले जो नहीं कराया है वो क्वेश्चन करा। सबसे पहले तो मैं आपको सात और सेवंथ क्वेश्चन क्वेश्चन आप यहाँ भी अपनी बुक में से देखकर नोट करें, ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा। धातु की एक प्लेट का क्षेत्रफल 10^-2 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल ए बराबर कितना है? 10^-2 मीटर स्क्वायर। प्लेट को 10 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया है। क्यू बराबर कितना? 10 माइक्रो कूलम, यानी कि 10×10^-6 कूलम, या 10^-5 कूलम ले सकते। प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र का मान, आपको प्लेट के निकट आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। किसी भी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है σ/2ε, ठीक है, और सिग्मा बराबर होता है Q/A। सिग्मा बराबर क्या होगा? Q/2ε0 तो है ही है, 2ε0×A। तो रखो आप इसे, क्यू की जगह हम रखेंगे कितना? 10^-5, 2 की जगह 2 और ε0 की जगह 8.85×10^-12 और A की जगह पे 10^-2। पहले तो गुणा कर लो, 10^-12 और 2 14, ऊपर गए तो प्लस के 14, तो 10^9 आएगा ऊपर, 2×5=10, आंसर लगे 2×8=16 और 1=17, यानी कि 17.70। अब उनको भाग लगाना है, 17.70 में कितनी का कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, एक में भाग लगाइए 17.70, तो ये आ रहा है 5.65 और 10^7 न्यूटन पर कूलम। चेक कर लेते हैं इस आंसर को, चेक करें इस आंसर को, यही आता है आंसर को चेक करने पर देखिए क्या आंसर है। सही है बेटा आंसर। आओ, न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर बात बराबर ही होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको आठवां क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन किताब में से देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है आठवां। 1 मीटर स्क्वायर की 2 धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के सामने 0.05 मीटर की दूरी पर रखी। 1 मीटर स्क्वायर की ये 2 धात्विक पृष्ठ हैं जो आपस में एक दूसरे से 0.05 मीटर की दूरी पर रखी हैं। दोनों पर समान परिमाण का परंतु विपरीत आवेश है। एक पर प्लस है और एक पर माइनस है,
खास बात यह है कि जितना प्लस है उतना ही आपका क्या है माइनस है, तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात करो। नहीं हाँ ठीक है, दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र दिया है, ई बराबर कितना 55 वोल्ट पर मीटर या 55 न्यूटन, ये भी यूनिट होती है विद्युत क्षेत्र की वोल्ट पर मीटर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, तो पहले ये समझो दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, या बीच में पॉइंट बना दो, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की तरफ होगा और माइनस क्यू आवेश से भी अंदर की तरफ होगा, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों से प्लस से बाहर माइनस से अंदर, तो कुल विद्युत क्षेत्र ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट बराबर ई बराबर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा बराबर आप जानते हैं क्यू अपॉन होते हैं क्यू अपॉन ए होता है, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ई गिवन है आपको, दिया हुआ है 55, क्यू आपको निकालना है, प्लेटों का आई थिंक एरिया दिया था क्वेश्चन में ना, प्लेटों का एरिया दिया हुआ है और वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा क्वेश्चन में, शुरुआत ही इससे हो रही है, तो ए बराबर है 1 मीटर स्क्वायर, तो वन रख देना, ये 8.85×10^-12 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 55×8.85×10^-12 इसका गुणा कर लो आप 55 का 8.85 से, आपके सामने आपका उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करना चाहो कैलकुलेटर से कर लो, नहीं वैसे भी जाएगा। देखो 55 25 250 250 और 25 275 आंसर लगी 27 पर 48 400 और 40 27 हो गए तुम्हारे 467 आंसर लगी 46 फिर वही 440 446 देंगे 486 आई थिंक, देखो क्या आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है, इसमें पॉइंट लगेंगे 2×10^-12 और ये 4.87 दे रखा है 10^-10 कूलर, 4.87×10^-10 कूलर, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, किताब में से क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नहीं लिखे जा रहे है ना, क्वेश्चन किताब में से। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 9, नवे नंबर का क्वेश्चन है, एक 9×, अगला क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन है, एक 9×10^-5 ग्राम, तो m बराबर दे रखा है 9×10^-5 ग्राम, एक समरूप आवेशित लंबी, एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है कितना 5×10^-5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, के ऊपर कुछ दूरी पर रखा है स्वतंत्र छोड़ने पर ये नीचे ना गिरे,
स्वतंत्र छोड़ने पर ये नीचे ना गिरे। लो साहब विद्युत बल कितना होता है? विद्युत बल होता है E बराबर क्यू ई और E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे बल कितना होता है? वैसे बल F बराबर होता है mg। कर दो दोनों को बराबर, नीचे नहीं करना चाहिए। mg बराबर क्या हो जाएगा फिर? q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्वेश्चन में जो डिमांड है आई थिंक आवेश q की मांग रहा है कि वो q कितना होगा, है ना? तो q बराबर क्या हो जाएगा? सबका मल्टीप्लाई करो, q बराबर हो जाएगा 2mg एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। m कितना लोगे? 9/10^-5। g कितना लोगे? 9.8। एप्सिलॉन नॉट कितना लोगे? 8.85×10^-12। और सिग्मा कितना लोगे? 5×10^-5। 5 से ही कट जाएगा, 1.77। 2 से ये गुणा हो जाएगा 18×9.8×1.77। और 10^5 कितना? -5 ही, दोनों कैंसिल हो गए। रुको, ये ग्राम है, इसके किलोग्राम बना लेना, गड़बड़ हो जाएगी। तो 10^-8 किलोग्राम। तो ये 10^-8 बचेगा, ध्यान से। एक बार पहले भी जब इस न्यूमेरिकल को कराया था तो यहाँ किलोग्राम ग्राम की गलती हो गई थी, फिर गलत आया था आंसर। ठीक, 5 ऊपर जाएगा कम हो जाएगा, 10^-15 है, 3 और जुड़ जाएंगे ना। अब आप इसका गुणा कीजिए, गुणा कीजिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं। ये 18×9.8×1.77। आंसर आ रहा है इसका 3.12×10^-13 पूरा। चेक करना पड़ेगा सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिए, क्वेश्चन एकदम सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए। दसवां क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई तल में स्थित एक लंबी समरूप आवेश परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 5×10^-16 कूलाम पर मीटर स्क्वायर पृष्ठ आवेश सिग्मा, और उसे 0.1 मीटर की त्रिज्या के आर बराबर दे दिया, आर बराबर दे दिया 0.1 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल लो, ए बराबर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, वो हम निकाल लेंगे। चलो निकाल ही लो यार,
3.14, 0.1 और 0.1। तो पॉइंट 3.14 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर। जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण होता है, विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है फाई ई। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई बराबर होता है EDS cos थीटा। हाँ, EA ले लो, EA cos थीटा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को ढंग से पहले पढ़ो। इसमें वो कह रहा है कि XY तल में, तो आप जानते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं हम लोग इस तरह से XYZ का, ये बनाते हैं ना अक्ष, ये X है, Y है और ये Z है। एक्स वाई तल में रखा हुआ है और जेड एक्स से कोण बना रहा है। जेड एक्स तो यही है, ये कोण है 60 डिग्री। इस तरह की पूछा करती है, क्षेत्रफल तो यही रहेगा। ये इस तरह से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये इसका पिक्चराइजेशन हो सकता है, यानी कि इस तरह से इसका डायग्राम बन सकता है कि भाई ये एक्स जेड एक्स से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आप लक्ष्य निकाल सकते हैं, तो ई की जगह क्या लेंगे? वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या लेंगे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ए की जगह कितना लेंगे? ये दे रखा, कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं, सिग्मा की जगह 5 × 10^-16, 2 × 8.85, 10^-12 गुणा 3.14 × 10^-2 और cos 60 का वर्गमूल 2। दो से काट दो, चलो 1.57। पांच से इसको काट दो, 1.77 पर करना तो पड़ेगा ही, ठीक है? तो वही कैलकुलेटर की मदद लीजिए। 1.57 में भाग लगाएंगे कितने का? 2 का। फिर उसमें भाग लगाएंगे 1.77 का। अब ये आएगा सर -12, ऊपर चला जाएगा +12 हो जाएगा। घातों को सेटल कर लेते पहले, +12 और ये माइनस के 18, 10^-6 हो चुका था। अब ये आया था 0.4435 0। अब आप इसको 4.43 निकल लो, 10^-7 कितना हो जाएगा सर? आई थिंक देखना पड़ेगा आंसर। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, और इसको उसने 4.4 कर दिया है, उड़ांकित किया है ना। पांच से ज्यादा नंबर आता है तो एक बढ़ा देते हैं और दूसरा तो इसमें विषम भाग नियम भी लग गया हम। ये है सर इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका सही है, ठीक है? तो क्वेश्चन 10 हो गए आपके। अब इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बता दें। चलिए, आई थिंक इसमें अब हमारे ज्यादा क्वेश्चन बाकी नहीं रहे, 11वां रह गया है और 12वां रह गया है, तो देखते हैं। हाँ, देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं 11। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको और देखते हैं। दस की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा E बराबर दे दी हमने, 10^3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तरह से 10^3 गुणा 1.6 × 10^-19 जूल। 5 मिलीमीटर दूरी पर डिस्टेंस दे दी हमने आपको 5 mm, यानी कि 5 × 10^-3 मीटर।
चार विस्तार से चालक प्लेट से एक लंबा दागा जाता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करो। ऊर्जा बराबर क्या होती है? कार्य होता है, इसको डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ऊर्जा बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और बल बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई इंटू डी। ये तुम्हें दिया है 10^3 गुणा 1.6 गुणा 10^-19 क्यू। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, हम जानते हैं ये ई होता है, और विद्युत क्षेत्र तो आपको दिया ही नहीं, ये पूछ ही रहा है क्वेश्चन मेरे हिसाब से। नहीं, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन चालक प्लेट है, और डी आपको दिया है 5×10^-3। तो वैल्यू रखो आप, 10^3 1.6×10^-19 बराबर 1.6×10^-19 सिग्मा पूछ ही रहा है 8.85×10^-12 5×10^-3 तो 5 से तो ये गया 1.77 और ये पूरा का पूरा कट गया। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, तो हमको वैसे डर लग रहा था कि सर बड़ा होगा ये क्वेश्चन। 1.7×10^-6 ये आंसर आएगा सर। 10^-6 कूलम पर मीटर स्क्वायर आप चेक कर लीजिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आसान सा क्वेश्चन था। तो अब एक आध क्वेश्चन रह गया हमारे चैप्टर में, कल हम आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा देंगे। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।